डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ऐसा हजारों में किसी एक के साथ ऐसा होता है। तो ये तुम या तुम्हारी मछली रानी ने कुछ भी नहीं किया, ये एक तरीके की बीमारी है। तुमने देखा था ना? हमने कुछ भी नहीं देखा और ना ही हमें कुछ ना देखना है। और अपनी ना ये नौटंकी बंद करो, हमें ही सोचना पड़ेगा। और थपकी का कांड भी ना हम ही करेंगे। तुमसे ना कुछ भी नहीं होगा, तुम ना रहने दो। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, ये मैं तुम्हें अभी के अभी बता सकती हूँ। तुम पागल हो गई हो काम कुछ तो देखना है ना, अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें। लेके जा रही हूँ उनको, तुम पगलैट हो गई हो का? अरे छोड़ो तो सही, मैं लेकर कहाँ जा रही हूँ? क्या कर रही हो तुम? डरो मत, बस देखती जा और मजा लो शंकर रानी। अरे ये लाइट को क्या हो, फिर से लाइट चली गई? पूरे घर की लाइट नहीं, ये आजकल लाइट बहुत जाने लगी है। मैं भी इलेक्ट्रिशियन को फोन करके बोर्ड चेक करवाता हूँ। तुम पागल हो गई हो का? एक तो घर में बिजली चली गई है और ऊपर से किसी ने दोनों को साथ में देख लिया ना, तो हम तो गए उल्टा हमारा ही कांड हो जाएगा। देखा, ये मछली के पानी का जादू है। अब देखना थपकी कैसे हमारे इशारों पे नाचती है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो?
मैं यहाँ किस, मैं तो अपने कमरे में। ओहो, तुम दोनों इस बोर्ड के पास क्या कर रही हो? तो दूर रहो इस बोर्ड से, उसमें से करंट निकल सकता है, शॉक लग सकता है तुम लोगों को। और मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुला दिया, वो आके ठीक कर देगा। तो प्लीज डोंट टच, ओके? डोंट टच। हे भगवान, रिया जो कह रही थी वो सच कह रही थी। मतलब धक्की के साथ कर जो कुछ भी हुआ, वो आंखों से खून आना, सब नेहा ने ही किया। मतलब थपकी अब नेहा की इशारों पे नाचने वाली गुड़िया बन चुकी है। अब हम थपकी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब होगा काम हमारा, और उस थपकी का होगा काम तमाम। अरे वाह, मान गई तुमको, तुम तो सच कह रही थी। तुम जो चाहो थपकी के साथ वो कर सकती हो। तो बोलो कब मारना है उसे, ताकि बेहान पांडे जिंदा लाश बन जाए। इतनी कहाँ जल्दी है? हमारा मतलब है कि थपकी का जान तो अब तुम्हारी मुट्ठी में है ना। तुम जब चाहे वो थपकी को मार सकती हो, पर पहला बदला उससे, हमारा मतलब है बिहान पांडे से। और वो थपकी को इतना तड़पाओ कि वो तड़प तड़प के ना पागल हो जाए। और जब वो पूरी तरह से पागल हो जाएगी ना, तो हम उसे मार देंगे। तब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब हम लोगों ने किया है। बस तुम धोखा मत दे देना। अरे ना ना नेहा रानी, तुम्हारे इन हाथों में तो डरावनी ताकत है। ऐसे कैसे तुम्हें धोखा देंगे? हमें मरना है का ना? मछली जल की रानी है जीवन। ऐसे नहीं, थपकी दोपल की रानी है जीवन, उसका पानी है। मेरे इशारे पे नाचेगी, हमरे बिहान जी को छीना तो तड़प तड़प के मर जाएगी। भगवान, ये मकर संक्रांति पे हमको आशीर्वाद देना कि हम ही घर की संस्कारी बहू बने, अपने परिवार को हम खुश रखे, एक रखे। ऐसी बहू नहीं जो घर तुड़वा दे, बंटवारा करवा दे। बंटवारा दिलों से होता है शंकर, घरों से नहीं। और जब तक दिल एक हो तो ना घर टूटता है और ना ही परिवार। प्रसाद दो थपकी।
और भगवान तो वैसे भी एक ही है सबके लिए, उनका तो बंटवारा हो ही नहीं सकता। बेटा कहते हैं कि दिल अच्छा तो जग अच्छा। आज मकर संक्रांति है, आओ हम अपनी सारी मुश्किलों को भुलाकर इस त्योहार को अच्छे से मनाएं। बेटा अपनी पतंगों पर अपनी उम्मीद और अपने विश्वास का धागा बांधो और उसे खूब ऊंचा उड़ाओ। इस उम्मीद के साथ भी वो तुम्हें तुम्हारी सारी तकलीफों से, सारे दुखों से, सारे मुश्किलों से ऊंचा उठा ले जाए, वहां जहां तुम, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा प्यार खुश हो और एक साथ हो। ऐसा ही होगा माँ, क्योंकि मैंने आज भगवान जी से भी यही प्रार्थना की है कि भगवान जी जल्द जल्द से जल्द बुराई का अंत करवाएं और हमेशा की तरह जीत अच्छाई की हो। और माँ देखिएगा, पहले की तरह हमारे परिवार और हमारे परिवार के रिश्तों के बीच में जुड़ाव और प्यार लौट आएगा। नागिन का बीन, इससे कहा होगा थपकी को? इससे जो होगा ना, उसे थपकी तो क्या, उसके पुरखे भी नहीं सोच सकते। अब देखती जाओ, जैसे ही ये बीन पानी में जाएगी, नेहा तू यहाँ क्या कर रही है? बाहर पता है कितनी ऊंची ऊंची पतंगें उड़ रही हैं। चल बाहर चल, पतंगें उड़ाते हैं। लेकिन हाँ, एक शर्त है, तुझे बचपन की तरह तालियां बजानी पड़ेंगी। हाँ भैया, मैं ना बहुत जोर जोर से तालियां बजाऊंगी। तो चल फिर, यहाँ क्यों खड़ी है, चल। क्या बात है, तुम्हारी पतंग रेडी भी हो गई। बाय द वे, मैंने भी एक पतंग बनाई है जिसमें है मेरी उम्मीदें, विश्वास, मेरा प्यार, थपकी। अच्छी है ना? कबीर ये, हाँ थपकी, क्योंकि मैं तुम्हें इस पतंग की तरह ऊंचा उड़ता हुआ देखना चाहता हूँ, खुशियों के आसमान में मेरे प्यार के साथ। गजब, कमाल की किस्मत है थपकी तुम्हारी, जो तुम्हें कबीर मिला, वरना इतना प्यार तो तुम्हें
हम भी नहीं कर पाए। प्यार तो हम भी कम नहीं करते बिहान जी आपसे। ई हुई ना बराबरी वाली बात, ई हुई सही जोड़ी। लीजिए बिहान जी, नाम ही सही पर अब बिहान जी की पतंग पर हम हैं और कबीर जी की पतंग पे उनकी पत्नी थपकी। देखते हैं कि अब किसका पतंग उड़ता है और किसका कटता है। और तुम थपकी, तुम्हारी पतंग की तरह आज तुम्हारी जिंदगी की पतंग भी कटने वाली है। हाथ कट जाएगा, हम करते हैं। दूसरों की बीवियों के साथ उलझना छोड़ दो बिहान। आदत अपनी सुधार लो बेहान, अभी तो सिर्फ डोर काटी है वरना